गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हो गई है। देखिए रौनक, रौनक कुछ कहना चाहता है आपसे। रौनक बोलो बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए जी आज 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पीयू बोलेगी, देखो बोलो हैप्पी न्यू ईयर। पीयू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। पीयू चीजी खा रही है, हैप्पी न्यू ईयर। चीजी खिला दो, चीजी खिला दो ना, चीजी दे दो। रमन ये लो, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो बेटा। रौनक क्या बोलोगे बेटा? हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नाते दे, ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर जी फॉर इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। सुनाओ ना बाबू ने, एच फॉर अन्नू हैन अन्नू। हेलो गाइस, देखिए हम अब नगर कीर्तन के लिए जा रहे हैं। रौनक भी तैयार हो गया है। रौनक सो रहा था, 2 घंटे से सो रहा था। अब हम जा रहे हैं तिलक नगर नगर कीर्तन के लिए। दरअसल रकाबगंज से तिलक नगर के लिए नगर कीर्तन निकला हुआ है, जो लगभग 6 बजे तिलक नगर पहुंच जाएगा। तो अब हम तिलक नगर पहुंच के आपको दिखाएंगे नगर कीर्तन। मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो गाइस, देखिए हम पहुंच गए हैं तिलक नगर। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा रश है, सड़कों पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, हर एक कदम पे लंगर लगा हुआ है। आगे तो जाने की जगह भी नहीं है, बहुत बहुत भीड़ है और साउंड बहुत ज़्यादा है, सबके लाउडस्पीकर चालू हैं। गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद, थोड़ा लंगर वगैरह चख लें। गरम है ना बेटा? जाम
काम बहुत ज़्यादा लग गया है। बाबा जी की पालकी साहब आने वाली है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी। देखो जी, फ्लाईओवर के ऊपर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत भीड़ लगी हुई है। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूँ मैं। नीचे इतना रश था कि खड़े होने की जगह नहीं थी। अभी जब पालकी साहब आ जाएगी फिर तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। सब दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। हेलो गाइस, देखिए पालकी साहब हमको मिल नहीं पाई है। पालकी साहब भी बहुत दूर है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। रौनक को ठंड लग रही है, तब हम घर जा रहे हैं। मिलते हैं घर जाके आपको। गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, नगर कीर्तन से आ गए, घर आ गए अपने। ये देखो, यहाँ देखो बर्थडे की तैयारी हो रही है। देखिए गाइस, अनु केक काटने लगी है। पहले फूंक मारो सारे जने। अरे अरे अरे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया बड़े बन गया जी, है ना जी। अब सब अब जो खा पी के बैठ गए हैं, जाने के लिए तैयार हैं। इतना सा केक दिया। अब इतने से केक में इतना सा हिस्सा इसको मिल गया, बहुत बड़ी बात है। दो मोमबत्ती भी खाने के लिए दी थी मुझे, मेरे केक में दो मोमबत्ती, वो भी नहीं छोड़ी। अब देखो कह रहे कि यहाँ पे वहाँ गए थे अगर नगर कीर्तन तो वहाँ से लंगर भी लाए होंगे। अभी भी भूख लग रही है। अवनीत क्या लेने आए बेटा? आइसक्रीम तो गाइस इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।